यथे नमः। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। मध्याह्न कार्यक्रम भक्त मानक अनुभूति को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, प्रतिदिन आमे मध्याह्न समय रे महाप्रभु भक्त मानक सहित एक मिलनर कार्यक्रम आरंभ करिचे। तबे आज मध्याह्न समय रे महाप्रभु अमावास्या नारायण मध्ये जाईचंती। सकाळ धूप परे महाप्रभु सागर विजय करिचंती। एपटे भक्त माने मध्ये आम गहणर अछंती। मु आउ बेसी डेरी करिविनी, सीधा आमे जिबा भक्त मानक पाखकु। एवं भक्त मानकर कोन अनुभूति रहिची, भक्त माने महाप्रभु किभळी भाबरे भल पाउचंती, आमे ताकु श्रवण करिबा बा ताकु दर्शन करिबा। तबे आम गहणरे जणे अछंती अनन्य भक्त, सुदूर देशरु आसीचंती, जेके ग्वालियरु आसंत, ताकु स्वागत करिबा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ टीवी को आपको स्वागत है। आप आइए, अपना नाम बताएंगे, कहाँ से आए बताएंगे जरा नाम। ग्वालियर के पास डबरा एमपी से दीपक अग्रवाल डबरा। दीपक अग्रवाल जी, और आपके साथ में धर्मपत्नी, जरा नाम बताएंगे। नीताशा अग्रवाल। नीताशा अग्रवाल, कितना बढ़िया नाम है। और यहाँ पे जब से आप आए हो जगन्नाथ जी के पास, पहले कब आए थे या पहली बार? पहली बार आए हम तो जगन्नाथ जी। अब भी पहली बार? हाँ, मैं भी पहली बार आई। शादी से पहले नहीं है जी? नहीं, बोले नहीं कभी कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना? नहीं, ऐसा कुछ मन में नहीं था। वो भगवान को जब बुलाना होता है, जगन्नाथ पुरी को जब भी आना होता है। शादी के बाद आने का सौभाग्य मिला आपको? हा? हमको बहुत अच्छा लगा जगन्नाथ आके, और बहुत ही अच्छा है। और भी जगह हैं जो घूमने लायक हैं, जो घूमने लायक हैं और भी जगह हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे लगे हमें। और यहाँ का जो स्वभाव है वो भी बहुत अच्छा लगा हमें सब लोगों का। उड़ीसा का मौसम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे गुलाबी मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम लगा। और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा हमको तो। और आपके वहाँ पे कैसा मौसम है? हमारे वहाँ तो बहुत सर्दी पड़ रही है, ओस पड़ रही होगी, ये तो ऐसा ही लग रहा है। तो अभी है नहीं है, पर ये लग रहा है कि बहुत ही अच्छा माहौल है वहाँ का भी। काकर पड़ुची सेठी बहुत मानने ठंडा अच्छी ग्वालियर रे, आउ बढ़िया जगह भी आसीचंती सार। कोड़ जानिचंती मध्यप्रदेश जोटी के अवंती उज्जैन, ये जगह ग्वालियर रु आहाँ को अवंती नरेश द्वारा बहुत बढ़िया कथा। अच्छा, आपको जो जगन्नाथ जी के दर्शन के बारे, अभी तो आप जा रहे हो ना दर्शन के लिए, अच्छा कैसे महसूस हो रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हालांकि हम कल भी कर चुका है, सुबह भी कर चुका है, शाम को झंडा वंदन भी देख चुका है, झंडा का भी बहुत अच्छा लगा हमको देखने का। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और खासतौर से अपने पति के संग आई हूँ तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों पत्नी पत्नी आए हुए और बड़े अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप जगन्नाथ जी को किस रूप से मानते हैं? अब तो भगवान का रूप है उसको, क्या प्रभु है वो तो साहब, साक्षात प्रभु है हमारे, साक्षात परम ब्रह्म है। आप भी जी? हाँ बिल्कुल। मतलब दोनों पति पत्नी एक ही नाव में बैठे और एक ही सवाल का एक ही आंसर ही मिल रहा है हम लोग को। अच्छा, ऐसे कभी मुसीबत आया है जो कि आप लोग राम जी, कृष्ण भगवान जी, किशन भगवान की जो मानते हैं, कभी ऐसे जगन्नाथ जी को आपने अपने मन से बुलाए कि प्रभु जी? इस दिन से मन हो रहा था जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी जाने का, यानी कि प्रभु की कब लीला हुई, एकदम अचानक चले आए प्रभु ने बुलाया। तो प्रभु ने बुलाया और अचानक मतलब जो प्रभु ने तो बोला कि टिकट कराओ, चले आए चले आए, जो कहते हैं ना तुम बुलाए हम चले आए, बस प्रभु ने अचानक जी बिल्कुल महाप्रभु बुलाए और भक्त चले आए। ये भी बड़े मतलब बहुत एक महाप्रभु जी के इसमें ऐसे स्वभाव लगी हुई है। अच्छा, जगन्नाथ जी को आप दर्शन कर रहे हो, जगन्नाथ जी का रूप जैसे आप देखे हो, दोनों गोल गोल बड़े बड़े आंखें और ये सारे हाथ अधा नहीं, इसमें आपको कुछ अजीब सा महसूस नहीं हो रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा भगवान की कृपा से। अजीब वाला कुछ भी नहीं था, अच्छा ऐसा बढ़िया है। देखा, सब बढ़िया है। आप जानते हैं जो जगन्नाथ जी के हमारे राम हो गए, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, जो ही राम सोई जगदीशा जैसे बोलते हैं, तो उसमें भगवान जगन्नाथ होते हैं, इनके सबसे ऊपर है। आप ये जानते हैं? प्रभु दीनानाथ हैं वो तो साहब, सबके जगतदारी हैं, और क्या, सबके जगत के नाथ है। जी हाँ बिल्कुल, सब जगत के नाथ है। और आप यहाँ जैसे दर्शन करके दो दिन हो गए, कल से तो दर्शन कर ही रहे हो, और ये जितने बार दर्शन कर रहे हो आप महाप्रभु जी के, इसमें कुछ नजरिया कुछ अलग नजरअंदाज आ रही है? हमको तो बहुत ही अच्छा लगा है, तो हम तो के बेरवेर होटल से निकल के प्रभु के दर्शन करने ही आ रहे हैं, कल से तीसरी बार दर्शन करने आए हुए। कल से तीसरी बार दर्शन करने आ रहे हैं, भगवान का रूप भी अलग अलग देखे होंगे? भले ही हमको दो दो घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, पर प्रभु के दर्शन जरूर करके जा रहे हैं।
आपको दो दो घंटे लाइन में यहाँ लगना पड़ रहा है और इसमें कोई मन में कुछ थोड़ा बात की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है, पर वो जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से कि हम चले आए। आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा उड़िया में बोल देता हूँ, हमारे जितने भक्त समाज आपण देखंतु से आसी ग्वालियर रु, ग्वालियर सुटिंग शाटिंग मन थी आपण मानक रेमंड आउ बिमल ये मैंने प्रसिद्ध जो ग्वालियर से जगार आसी कि कहते आमको जीवाक मन होमें कौन करुचे सिंहद्वार आस हाला पढ़ाऊे कि मन करूना भाई जनक ये आनंद अच्छा। अच्छा आपको सारे आपके जानकार वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं सीधा प्रसारण के माध्यम से जय जगन्नाथ टीवी से, और इसका भी चार चैनल है उड़ीसा में। वैसे हम लोग जगन्नाथ जी का अगर कृपा होगा ये पूरे हिंदी इंग्लिश हर भाषा में इसका प्रसारण होता रहेगा, और आपके जितने है जानकार वगैरह इनको क्या संवाद देंगे? बहुत ही अच्छे हैं, सभी का अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा लाइव चल रहा है। आपको भी यहाँ पे सारे देख रहे हैं, आप भी क्या बताओ? जी मेरा भी वही सवाल है जो उनका है, बिल्कुल ही अच्छा है और यहाँ की मार्केट भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे कुछ भी ऐसा कॉस्टली नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, बढ़िया है सब कुछ। ये देखा होम मिनिस्ट्री वाले काम इन्होंने कर दिया, मार्केट अच्छी है, पहले नज़र लगा दिया। कुछ खरीदा? थोड़ा बहुत। क्या खरीदा मेन चीज? तो क्या करते है ना, उन्होंने कुछ घर वालों के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, रिश्तेदारों के लिए सोचते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के लिए सोचते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत जेब खाली होता है। जब आए हैं घूमने के लिए तो और क्या करेंगे, फिर तो घर पे जाके अपना अपना काम में लगे रहेंगे, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जेब खाली। अब दो दिन से भी खर्चे कर रहे हैं क्योंकि मार्केट की उन्होंने स्टडी किए। वैसे यहाँ का मार्केट भी अच्छी लगे, यहाँ का लोग भी आपको वैसे तो अच्छे, फिर भी यहाँ का लोगों के बारे जगन्नाथ जी के बारे और हमारे जो सिंह द्वार में आप खड़े हो अरुण स्तंभ के सामने, बिल्कुल ये सिंह दरवाजा है मेन दरवाजा क्या, और ये 22 सीढ़ी भी आप जैसे जाओगे इसमें देखोगे 22 सीढ़ी भी आपके विजुअल में दिख ही रहा है, तो क्या कहोगे सारे आपके जितने जानकार? नहीं, सभी पुजारियों का यहाँ का अच्छा नेचर लगा हमको, बढ़िया अच्छा नेचर है, कोई दिक्कत जी, बहुत ही अच्छे हैं सभी लोग। फिर कब आओगे? अरे प्रभु जब बुलाए फिर चले आएंगे, जब प्रभु बुलाएंगे। आपके मन नहीं है कि अगले साल या अगले महीने आने? अरे हम तो रोज उन्हीं के चरणों में बैठे हैं, जब प्रभु बुलाएंगे फिर चले आएंगे जगन्नाथ। बिल्कुल आएंगे। इसका मतलब इनका कहना है कि अभी तो गए ही नहीं है तो फिर आएंगे, आने की क्या सोचेंगे? प्रभु जब बुलाएंगे फिर आ जाएंगे। प्रभु को कभी आपने जगन्नाथ जी को जगदीश भगवान को सपने में देखे हो? अब साहब उनको तो रोज ही देख रहे हैं, को उसको कौन नहीं देख रहा, सभी देख रहे हैं, आने के लिए हर आदमी तरसता है, और प्रभु जब जिसको बुलाएगा वो चला आएगा। आप जानते हैं चार धाम से एक सबसे बड़ा धाम है, चार धामों में जो बद्रीनाथ जी के और आपका द्वारकानाथ जी, जगन्नाथ जी, रामेश्वरम जी, चार धाम है, चार धाम में से एक धाम है ये। एक बढ़िया चीज है ये, आप आए हो जगन्नाथ धाम में तो हमारे जय जगन्नाथ टीवी की ओर से हम लोग आपको इतना भी ये बता सकते हैं, थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं कि बद्रीनाथ, रामनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, ये चारों नाथ है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ऐसा होता है कि जो लोग तीनों धाम जा चुके हैं जगन्नाथ धाम नहीं आए उनका चारों धाम पूरे नहीं होते, बट जो लोग तीनों धाम नहीं गए, मान लो सबके बस की तो नहीं होती है, तो ऐसे पति पत्नी आप जैसे कपल आए हो ऐसे हर आदमी का मन मिलता नहीं है, कभी कुछ इधर होता है, कोई भी पूरब जाता है तो कोई पश्चिम जाता है, तो इसमें हर आदमी के बस का, और पॉकेट भी किसी का बियर नहीं करता है, तो वो लोग क्या करते हैं तीनों धाम अगर नहीं भी जा पाते हैं जगन्नाथ धाम आ जाते हैं तो उनके चारों धाम पूरे हो जाते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, अब प्रभु ने बुला लिया हम तो चले आए, बहुत अच्छे आए हैं। आपका चार धाम हो गया इसका मतलब है, तो यहाँ पे इसीलिए तो चार द्वार है, आप जानते हैं? नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं, यहाँ पे चार द्वार, ये चार धाम के नाम पे ही चार द्वार है, और यहाँ पे मुख्य द्वार में आप खड़े हो, तो आप इतने टाइम भी हमारे जय जगन्नाथ टीवी में दिए तो बड़े अच्छा भी लगा आप लोगों से मिलके, और ऐसे ही हम लोग प्रार्थना करेंगे कि बार बार आप ऐसे आओ और हमारे साथ भी आपके साक्षात हो, क्योंकि जो आते हैं दूर से भगवान जी के दर्शन करने आते हैं, आप हमारे अतिथि हो और अतिथि देवो भव, हम आपको क्या देंगे ये तो हमारे पास कोई भाषा में नहीं है, फिर भी एक जय जगन्नाथ जी की तरफ से हमारे जो जय जगन्नाथ टीवी के परिवार तरफ से एक पुस्तक हम दे रहे हैं, इसमें अंग्रेजी में भी कुछ लिखा है, उड़िया में लिखा है, जो उड़िया नहीं पढ़ पाओगे उसे छोड़ देना और जो इंग्लिश पढ़ पाओगे उसे पढ़ लेना, आपको भी हम एक पुस्तक प्रदान कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आसीथिले ग्वालियर रु बड़ा सुंदर भाव में बढ़िया कपल्स दुजन आसीथिले महाप्रभु को दर्शन करने लक्ष्मी नारायण भली आज अमावास्या नारायण विजय करमको तो लगे दुजकर मन प्राण एक मानने जहाँ जड़े कहते आउ जड़े से आज अलग मिलूनी तेरे आमें कौन मानने सहित मिसलापर एत सुंदर लगला एवं आम गहन आउ जड़े भक्त अच्छा आसतु स्वागत करवा बुझी नवा कौन से महाप्रभु प्रति केमी जय जगन्नाथ टीवी आपन को स्वागत ना कहे कौटे आसे आपदा आम भक्त मान देखिक कहे मो ना तपन नारायण रथ मुझे कलाहां जिलार तपन नारायण रथ बढ़िया ना टे सूर्य नारायण आज अमावास्या नारायण विजय कर आज पौषमास अमावास्या महाप्रभु दर्शन करने को आसमती लग जहाँ कहले भी भाषा सफिसीएंट हम ना जगन्नाथ दर्शन सुजोग जिते बड़े मिले तापाई कि किसी भाषा ना केमती लगुच कहवापी तो जानते आपसार सबू मनीषर जीवन रे से जगन्नाथ हृदय बास करती समस्ते भरसा करके आम जीवनटा बंची जाऊ शेष पर्यतर भरसा करके आम बंची जाऊ अन्य जोकोसी किसी था न था कौ परिस्थित अच्छा कौन अच्छा जगन्नाथ को आप थे देखि दिंती जगन्नाथ को हृदय थे स्मरण कर दिंती मैंने आपण किसी आवश्यक पड़े ना गोटे बढ़िया कथा कहले कौन अच्छी न अच्छी ए सबुर चिंता ना थे जदि महाप्रभु को आखिरी आखि मिशि जाए जीवन पवित्र हो जाए हृदय धन्य हो जाए मनीष तेब आप महाप्रभु पाखक दर्शन करवाक एमती महाप्रभु को या पूर्व के प्राय प्रत वर्ष आम जब भी भुवनेश्वर कटक कौन से कम आसु तो तार भितर पूरी प्रोग्राम तो निश्चय रही जाए दी तीन घंटा बाहर करी थे जगन्नाथ को देखी जबार आवश्यकता रहे आटा निश्चय प्रोग्राम आम रखिद जमती हेल्ला आसिक पूरी टी ठाकुर को देखी देखी जाऊ आ कि कर न कर दर्शन हो गला अबड़ा टी मिलगला बस जीवन सार्थक हो जाए से दर्शन हो गला अबड़ा टी मिलगला जीवन सार्थक हो गला वास्तव में जहाँ सारे कहिले एक कथार बहुत माने महत्वपूर्ण कथा रही जिते बेले भी आम ओडिशा माने भुवनेश्वर आसिलु निश्चित भाव में जगन्नाथ प्लानिंग माने दर्शनर गोटे माने तादेहरे गोटे कलम थिबो निश्चित भाव आम जीव हुए तो आम भुवनेश्वर काम कौन हो नौ सी पछ कथा कि महाप्रभु दर्शन एवं महाप्रसाद आपण महाप्रभु पाखक आसने के महाप्रभु को अति विषाद समय रे दुख समय रे महाप्रभु को केबे प्रार्थना करी महाप्रभु किसी शुणी ये तो मैंने जो कथा आप पचारे जे भगवान शुणी न शुणी ताकू तो पब्लिकली कहवा कथा नुहे किंतु एमती आप लक्ष्य प्रमाण पाई कोटिए प्रमाण पाई जोटि की जगन्नाथ किए जड़े डाकि जगन्नाथ तार जवाब दे मोर व्यक्तिगत कथा सेमती विशेष किसी कह ना से आम जानवा चाहूल बास्तव में ये हूँ भक्त भगवान अंतर कथा ता भितर आम मैंने जाणिले कि आम मैंने न जाणिले कि बास्तव में गोटे भल कथा सार कहले जे महाप्रभु प्रति मोर एमती अनेक भक्त अनेक उदाहरण अच्छी सेमती मोर मध्य अच्छी मु महाप्रभु को मान सानिध्य महाप्रभु पाई तेरे पुणी आपत जो महाप्रभु को दर्शन करने को आसबार एवं आउ के पुणी या पर प्लानिंग निश्चय जब भी आम भुवनेश्वर मुझे आसवा बाटे मुझे तो एक वर्तमान अन्य कम सरकारी कम था कि बाटे भी बापा माँ सहित कथी पिला छुआ स्त्री समस्ते कहले नेक्स्ट थर आमको नहींक जीव एणु ये गतानुगतिकत भाव में चली थाए एथेरे केबे विराम पड़े ना जे जगन्नाथ को पुणी पांच दिन पर भी जदि काम पड़ो आम आसीजु जेबे भी भुवनेश्वर कटक आसबू निश्चय जगन्नाथ को दर्शन पाई आम आसबू के सुंदर कथा कहले आसला बेले बापा माँ को कथा मन अच्छे आपण मैंने भी बापा माँ को केबे बुलंतुनी कारण बापा माँ को सांगे नहीं आसबि पिला मान को सांगे नहीं आसबि एवं पांच दिन पर जदि मोर पुणी भुवनेश्वर काम पड़े ताले से काम भितर समय बाहर करी निश्चित भाव में महाप्रभु पाखक आसबि महाप्रभु पाखक आसिक आपण दुख बेसी जनांती ना सुख बेसी जनांती बेसीटा तो साधारण तो आम ओडिशा आपण जानते लोकों एतटा लोकों भितर जगन्नाथ को जनवाई दुख ही प्राय लोक आसते ये सुख समय रे धन्यवाद दबा को आम आसू जे भगवान तुमरी जो आज आम सुखी हो
दुख समय रे भी आमे आसु कहिया पे भगवान ए दुखटा जो आसी छि आकु केमती आपण तांको ऊपर आमे लदी दउ तांक बहुत दायित्व हम भगवान को दे दउ आमे अपॉर्चुनिस्ट भी निजो को कहि परबा जे आमे भगवान को ऊपर सब दुख छाड़ दे कहो भगवान कालिया तू बुझे कथा मोर मु से दायित्व नहीं परबिनि दायित्व नबार शक्ति मो पाखरे नहीं तू बुझ एमती गुडा रेस्पोंसिबिलिटी आमे ता ऊपर लदी दे कि पळे जाऊ आ जेते फेरी गला परे जेते बळे जानु से गुडा को सब भगवान सतरे आम कांधर ओल्लैपर आम पुणी आसू भगवान धन्यवाद दवा आसु प्रभु गत थर आसिक तेत मुझे सब जन जाइली आ बर्तमान मुझे तेज धन्यवाद दवापी या भितर प्रकृत से सब दुख कड़े हुए जाते बढ़िया सुंदर कथा सार कहले आपण मैने लक्ष्य करतु जड़े मानने सरकारी मानने वेतनभोगी हो माने तांकर आर्थिक अभाव माने कौन से प्रकार ना आपण तांको देखिक जापारे कि गोटे बढ़िया कथा कहले दुख जदि केबे आसे आमे महाप्रभु को पर लदी दौ से निज कथा कहीनांती वास्तव में समस्त ओडिशावासी नुहे भारतवासी कथा से कहते कहीं आम दुख आसे का जगन्नाथ को कहवा तेब दुख जिते बार ओल्ल जाए के मात्र अनेक लोक अच्छा हाँ जीवा तो बुझा तो हो गला तो कितु सी गोटे कथा कहले जो दुखटा अपसरी गला से सुखर जो संभार महाप्रभु को टी दर्शन से कथाटी जनईवा आवश्यक तेणुक से सुख समय एवं दुख समय बोध हुए सुख जनईवा से आसुंती ये कथाटी मानने कथार आम स्पष्ट भाव जापारे तेरे सारे आम जानवा को चाहिए आमर ये जय जगन्नाथ टीवी प्रयास जगतवासी समस्ते देखु एवं समस्ते आमर भक्त अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति कौन कौन केमी रही अनुभूति महाप्रभु प्रति समस्ते जानतु ये हूँ प्रयास तेरे जगन्नाथ महाप्रभु आमर ये जय जगन्नाथ टीवी समस्त देखुं कौन कहे आप ये गोटे बहुत भल प्रयास कहीं जो मैंने पूरी को समस्ते आसी पारते केते प्रकार सुविधा असुविधा क्या को छुट्टी मिले कहार घरे प्रॉब्लम अच्छी के बहुत दूर रे अच्छी क्या पाखे पैसा ना एमती आसिकी देखी पारना कि घरे जदि टीवीटे अच्छी से सीधा सड़ख बर्तमान भगवान को दर्शन करार सुजोग पाँच आपण को टीवी जो बोझ उठे ये जिनसटार जो रेस्पोनसबिलिटी नहीं लोकों पाखे पहुँचे जो मैंने पूरी आसी पार ना बा जगन्नाथ विषय में समस्त पाखे नलेज भी ना जगन्नाथ महिमा विषय में जगन्नाथ ऐतिह्य विषय एणु यही टीवी मध्यम आपण से जिनसटा समस्त जनई पार्टी लोके घरे बसिकी भगवान को देखिपे जगन्नाथ विषय जापार जगन्नाथ महिमा विषय जापार जगन्नाथ इतिहास ऐतिह्य सब जापार संस्कृति विषय जापार एणु आपण यो प्रयास मु अंतर प्रदेश रु धन्यवाद ज्ञापन कर एटा आपण लागू रखंतु सबुदिन पाई समस्ते जानिबार सुजोग पांतु बढ़िया कथा कहले प्रयास जारी रखंतु वास्तव में प्रयास थिले निश्चित भाव में सब कार्य सफल हबो तेबे परिशेष रे सारंक ठारु आमे जानिबा आमर आपणकर समस्त परिचित व्यक्ति एवं उत्कल समाज गोटे पद समस्ते गोटे कथा जगन्नाथ को ऊपर केबे प्रश्नवाची सृष्टि करंतु नाही बेले बेले आसे मनरे भगवान तू शुणुनु ना से समय से बहुत शुणु थांते आउ भगवान जो प्लान करते से प्लान आम बुझीपर ना भगवान सब प्लान जिते आपण 33 कोटी देवता भितर ये जगन्नाथ प्लान रे टिके क्लमजी लगे टी कन्फ्यूजिंग लगे हठात बुझी हुए ना आईटा भी ठीक हम ना जो बुझे मैंने जो भाई आम आधुनिक जुग में आम निजे क्लमजी हो जाइए आम निजे कन्फ्यूज हो जाइए आम निजे कम्प्लिकेटेड हो जाइए जो भाई लोक को से गोटे लेवल रखिंट अति साधारण लोकपाई साधारण इविन दर्शन भी दिखती भगवान किंतु आम तो विभिन्न माया मोह भितर रही आम निजे जेहेतु माया भी भगवान भी आम पाखे माया भी हमें जे सरल ताकि भगवान सरल हो जाती एणु किंतु गोटाए जिनस समस्त विश्वास लेवलटा सामान आपड़ जिते बड़ हो था छोट हो था विश्वास रखत ओडावासी मुझे भारतवासी हिंदू समस्त कह भगवान जगन्नाथ विश्वास केवे हरतु ना जो कौन सी पिस्थित हो जाऊ जिते लेवल को पलि जातु आप तले गला भी आपड़ कहतुनि जे सब हो गला जगन्नाथ मत कि गलना से ही पर्यटन भी भगवान आपन को लेकिन जाइंट समुद्र तले पहुँची थे भी भगवान गोटे ठेला एमती देते आप आसिक समुद्र कूल में पड़ जाइए से विश्वास जिनसटा रखा पड़ो आप विश्वास न रखिले जगन्नाथ ठार दूरे जी जब जगन्नाथ विश्वास अच्छा से ये पाखे थे आप डाकिले से ओ करे बढ़िया कथा कहले महाप्रभु प्रति विश्वास रखतु विश्वास रखिले से निश्चय ओ करे कारण महाप्रभु जगन्नाथ होंगे ओ करवा ठाकुर
समुद्र भितर थिले भी गोटे ठेलार आपण कूल आसी पहुँची जी के सुंदर सुंदर कथा कहले प्रश्न सृष्टि हो सर आपण कारण सरकारी दफ्तर में जो मैंने कार्य करती समय एत अभाव रुए कारण सदा बेले से आम जनसाधारण पब्लिक सेवे थे कि तथापि आप मनरे जो अध्यात्म भाव ये सुंदर सुंदर कथा ये जो भाव सब केमी सृष्टि है बड़ा आनंद लगुच शुणी तथापि कौन पदे शुणु आम पचास बर वर्ष बयस को आसिले ओडावासी आम जगन्नाथ राज्य में बास करूचे प्रजा मु तो कह सेमती विशेष किसी मुझे जाणी ना आपण जी जानते बोध हुए से बहुत यार मानने अधिक जानवा आवश्यक ना मानते मो निजस्व मत मैंने भक्त मानने मुझे बहुत किसी देखो आम हाँ कहली जमी आम ओडावासी जगन्नाथ प्रजा आउर विश्वास करवाटा एमती किसी समय आसे जोबले आपड़ विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात गुड़ाक देखती सहती भलरे भलरे बंचीगले आप जगन्नाथ को भगवान जो दुख दिखती से आप भावत ठीक भगवान मत चाह मत जाणी दुख गुड़ाक दौंस आउ जी के जीवन में दुख भोगी ना कष्ट भोगी ना असुविधा भोगी ना से कहीं भगवान को पचार जे गोल्डन स्पून नहीं कि जन्म है जार कि सुविधा असुविधा मानने सुविधा छड़ा असुविधा मानने मुह ही देखी नाई जगन्नाथ कहीं नुहत एणु जे लोक ओडिशा रे अत्यंत दुखरे अच्छी किंतु भगवान को प्रति तार कल्चर अच्छी बापा माँ घरे पूजा होची शिक्षक ताकू से कथा कह गोटे मोटामोटी संस्कृतिर कथा आपन जदि से गोटे सांस्कृतिक परिवेश भितर जन्म होइथिबे एवं बंचुथिबे आपन को घरे बापा माँ पूजा करचंती माँ सकाळ उठिले प्रथमे जगन्नाथ को खोजुचंती घरे आपनकर जगन्नाथ मूर्ति अच्छी घरे जगन्नाथ फोटो अच्छी आपण निर्माल्य को मुंडरे लगोचंती जगन्नाथ भोग टिके पाइले कोटी संपत्ति पाइला भली आपण जदि लागुची जगन्नाथ को सेतिकिटा जदि जानिचंती ताहेले आपण निश्चित रूपे जगन्नाथ विषय में बेसी बेसी भाबिबे सब समय रे जेतेबेले जहां असुविधा आसे हे जगन्नाथ रक्षा कर हे जगन्नाथ एई जो डाकटा हे जगन्नाथ कहिले आपण जेते लक्ष किलोमीटर दूर रे थिले भी जगन्नाथ आपण पाखरे ठिया हेबे आउ आपण जहां चाहूथिबे से जिनसटा से आपन को केमती देदेवे आपन जानी परिबे नाही आपन दुख सब उभे जीवो एठी मौला मनीष बंची जाई परिबो जगन्नाथ को परे जदि आपन को भरोसा अछि ये प्रसंग टी को संपूर्ण भाव रे अवगत करा जाऊ एबे जाकु सुंदर भाव रे माने नालीगार तळे रखा जाऊ काहे कि ना एबरा ये हेडलाइन रो कथा मौला मनीष को जदि भगवान को प्रति भरोसा अछि से निश्चित भाव में बची पार महाप्रभु को डाकिले से ओ करे लक्ष लक्ष योजन थिले महाप्रभु जा पाखे ठिया है जीवे गोटे सुंदर अनुभूति कथा सारे शुणा को पाइले सारे आम अनेक समय ठिया कले बढ़िया बढ़िया कथा श्रवण करुचे तेरे सारे आम कौन दे पार केवल एति आम जय जगन्नाथ टी पर तरफ गोटे पुस्तक प्रदान करुचु आशा कर पाखे रखिए आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर मूल्यवान समय देले परिशेष रे भक्त मानन को समस्ते जगन्नाथ प्रेमी हे जांतु जगन्नाथ उपरे भरोसा रखंतु ओडिशावासी जगन्नाथ व्यतीत आमर कोनोसी एक्जिस्टेंस ही नाही तांको उपर निर्भर करले देखिबे आपण कोठु नाही कोठी पहुचिबे कोनोसी दुख आपणकर रहिबो नाही सदा सर्वदा आपण जगन्नाथ मनस्क हे रहंतु समस्तंकु समस्त हिंदू समाज को ओडिशावासी को मोर ए अनुरोध बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ समस्त ओडिशावासी को समस्त हिंदू मानू समस्त ओडिया भाषी को सारंकर गोटे सुंदर अनुरोध रहिला जे जगन्नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखरे पूर्ण विश्वास